जी क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। कहाँ के निवासी? हर्षपुर। आपके बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति जाए भाई साहब, 24 घंटा में 2 घंटा बिजली आ रही है हमारे घर, और बहुत ही ज्यादा समस्या है। मतलब बगल में मध्य प्रदेश लगे हुए 18 घंटा बिजली आओ, 100 यूनिट बिजली 100 रुपया में मिल रही, इतने बिजली आए चाहे नहीं बिल आ रहा। जबकि ललितपुर जनपद में सबसे ज्यादा बांध है, वो बिजली को उत्पादन भी 3-4 जगह हो, इतने के क्षेत्रवासियों को बिजली नहीं मिल रही, इतने की बिजली बाहर भेजी जा रही, बेची जा रही। इतने कहते हैं हाँ सरकार को कह रही हम लोग केवले नहीं है, जबकि बिजली इतने की बाहर बेच रहे। बहुत खराब स्थिति है। खेती पे क्या प्रभाव है बिजली का? अब सिंचाई नहीं हो पा रही खेती पे, लाइट आनी रही, मोटर जो चला उठते पहले 12-12 हजार रुपए जाके करें पर्ची कटवा दी, लाइट दे रही है तो पर्ची धरे के साथ मेहनत पे बैठ के दूर हो। कितनी लाइट आ रही है यहाँ पर? लाइट आती है मुश्किल से 2-3 घंटे। लाइट ना आने से क्या परेशानी हो रही है? लाइट ना आने से बच्चे परेशान, पढ़ नहीं पाते, और गर्मी लगती है, मच्छर भी बहुत हैं। रात में कितनी लाइट आ रही है? रात में लाइट 2-3 घंटे के लिए आती है बस। लगभग कितने बजे जाती है? कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे। आपका? नंदिनी सॉरी। कितनी लाइट आ रही है यहाँ पर? मात्र दिन भर में 4 या 5 घंटे। रात को आती है कि नहीं आती? पूरी रात लाइट नहीं आती, बहुत परेशान हो रहा। लाइट ना आने से क्या परेशानी आ रही है? रात भर पंखे से, हम हाथ के पंखे से हवा करते हैं, और क्या बीमारियाँ हो रही हैं, मच्छर बहुत ज्यादा है। आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि बच्ची परेशान है, लाइट बिल्कुल जीरो जल रही है, बल्ब में कुछ करंट भी नहीं दिखता है, और बिल्कुल बारीक बारीक लाइट आ रही है, बच्चे भी रात में सो नहीं पाते हैं ना, हम लोग नहीं सो पाते हैं ना, उजाला भी नहीं हो रहा है ढंग से, इसकी लाइट मंदी आ रही है। लाइट कितनी मिल रही है दिन में? दिन में मान लो कि 2-3 घंटे लाइट दे पा रहे हैं अभी, और रात में वो भी 8 बजे से देते हैं, 9, 10, 11 बजे फिर निकाल देते हैं, और 3 बजे देते हैं जो ना ठंड पड़ने लगती है, इसलिए काय हो दे रहा है वो भी नहीं दे। भाई साहब ना, हम अभी ताम्रकार है, हम आपको बताएं लाइट को लेकर क्या समस्या आ रही है? भाई साहब लाइट की कछु नहीं पूछो, बताएं इसे नहीं पूछो कि लाइट की कछु आ नहीं रही। लाइट पहली बात तो जा है, और दूसरी बात जा है कि ना मिट्टी को तेल मिल रहा हो, हम दिया जलाए काम जला ले, ना लाइट आई तो मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, जी में टार्च जल जाए, टार्च हमारे घर है नहीं है ऐसी भाई, किसान टार्च और टार्च हो जाए भी तो हम कहाँ से चार्ज करें, हमें समझ में नहीं आई तो लाइट से हम फोन करें तो घर भर बीमार डरे, पहली बात तो मच्छर की वजह से, ठीक है, और दूसरी वजह से लाइट नहीं आ रही, ना मिट्टी को तेल मिल रहा हो, ना कछु हो रहा हो, ना कछु हो रहा हो, हमारे ख्याल से हमें जो लग रहा हो कि अगर सरकार जा रही इतने से तो मात्र वृद्ध विभाग की वजह से जा रही, और कोई कारण नहीं। कितनी लाइट आ रही है आप? लाइट कितनी का जाकर पूछो, कितना बिल आ रहा हो? लाइट तो ठीक है जैसी आ रही है, लाइट तो 2-4 घंटा आ ही रही, बिल तो उसे भी ज़्यादा आ रहा हो, हमें तो ज़्यादा लग रहा बिल भरत भर बिल ही गिलाया नहीं कमा पा रही, एक दिन एक महीना का बिल 1000 रुपया, एक महीना का बिल 1200 रुपया। लाइट कितनी आती है? लाइट मुश्किल से 6-7 घंटा बस, और अभी मिल करके ऐसी लाइट आ रही कि हम तो ऐसे परेशान है, बस 5 मिनट में दे दी, अगर आधा घंटा बस फिर 5 मिनट दे दी। हमारा नाम विपिन नामदेव है। लाइट की क्या समस्या चल रही है? लाइट की हमारे गाँव में जफोरा ग्राम सभा में आज से कम पिछले साल भी रिकॉर्ड ख़राब रहा, मतलब जैसा गवर्नमेंट बोलती है, और अभी इस समय जो ज़रूरत है यहाँ के आम आदमियों के लिए, पब्लिकों के लिए, तो यहाँ देखा जा रहा है कि पिछले 2 महीने से कम 4-5 घंटे ही दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़े मुश्किल में लाइट मिलती है दिन में। आपको क्या परेशानी आ रही है लाइट लाने से? लाइट से काफ़ी परेशानी होती है, जैसे कि आदमी को बेरोजगार है, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि उसमें लाइट में भी काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि बच्चे हैं, कोरोना काल में बोलते थे गवर्नमेंट संस्थाएं बोलती थी कि भाई यहाँ पर लाइट की अवेलेबल करेंगे, अच्छी लाइट आएगी, अब ये आप देख रहे हैं पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कम से कम कि लाइट की बहुत समस्या है जफोरा क्षेत्र में, और यहाँ पर ना प्रशासन शासन और ना कर्मचारी विद्युत विभाग की कोई भी नहीं सुनता है यहाँ पर, और यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी लगाते तो वहाँ से फ़ोन होता है, हाँ इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार ने ये बोला है कि बच्चों के लिए कोई दिक्कत ना आए, पोषण आहार मिले, सब कुछ वो स्वस्थ रहे, लेकिन स्वस्थ किस प्रकार से रहे वो, जब लाइट क्षेत्र में नहीं आएगी, जखोरा में भी नहीं आएगी, ग्राम सभा में, तो काम कैसे करें। आज बच्चे देख लो आप, माता पिताजी के एक एक दो दो साल के बच्चे बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल भरा हुआ है, कारण इसी बात का है भाई, लाइट ही नहीं आ रही है, तो क्या करें यार।